जी हमारी बहन जो है मरिया नवाज साहबा और मोहतरम इंतहाई मोहतरम कैप्टन सफदर साहब जो कि एक अजीब किस्म के जहनी खुशार के शिकार होके अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, हक में नबूवत और कभी राना सनाउल्ला साहब कुछ बात कर रहे हैं, कभी वो बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सब जो है ना, ये इनको किसी प्रॉपर, ये मैं एज ए डॉक्टर मशवरा दे रहा हूँ कि किसी नफसियाती जो है वो मतलब मरीज के तौर पर अजीब वो अजीब बात कर रहे हैं, राना सनाउल्ला कुछ और कह रहे हैं, ये अजीब किस्म की जो है ना बातें उन्होंने एक बहस छेड़ की है सर, क्योंकि उससे कदा नजर पर सब क्या ये सब तवज्जो हटाने के लिए है। नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा ना, ये तो कोई खाना जंगी का प्लान कर रहे हैं वाले में, पंजाब में क्यों हो नहीं पाएगी, क्या हो सकता है ये कामयाब हो जाए। अच्छा मैं इस पे बाद में आता हूँ, सुबह क्या होने जा रहा है। सुबह जो है वो मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी अदालत में और पिछली पेशी पर जब वो भी पेश होंगी और कैप्टन सफदर भी पेश होंगी। अभी थोड़ी दिन पुरानी बात है ना, जब ये आए थे लंदन पे तो ये जो सारा एयरपोर्ट पे हुआ था किस्सा, गाड़ियों के आगे लेट गए थे और चाबियां जेब में रखे, लेकिन तो बाकी थी चंद्रस पहले मैंने। अच्छा अब वो उसके नगर दिन पेश हो गए थे, अब वो दोबारा पेश हो रहे हैं दोनों, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं है। अच्छा कल फर्ज जुर्म आयद कर दी जाएगी मरियम नवाज साहबा पे और कैप्टन सफदर पे, और उसके साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक पे जो मुचल के जमा करवाए थे वो जब्त हो जाएंगे जी, और साथ ही उनके काबिल जमानत वारंट जारी हो सकते हैं कल। और साहब उन पर फर्दे जुर्म नहीं आयद की जाएगी नवाज शरीफ साहब पर? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फर्दे जुर्म का तो खुद ख्वाजा हारिस ने कहा था कि जी वो 15 दिन नहीं आ सकते तो वकील के जरिए ही फर्दे जुर्म आयद कर दें। तो या तो अदालत वारंट जारी करेगी और वो जो 50-60 लाख रुपए जमा करवाया था इन्होंने बतौर जमानत वो जब्त हो जाएंगे, या तो वारंट जारी करेगी या अदालत फर्द जुर्म आयद कर देगी ख्वाजा हारिस साहब के थ्रू जी। और अब ये देखिए किस कदर अजीब और गरीब कल दिन होगा कि मरियम नवाज साहिबा को अदालत में कटहरे में खड़ा करके और कैप्टन सफदर साहब को, मरियम नवाज साहिबा को पूरा फर्द जुर्म पढ़ के सुनाया जाएगा।